नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। जापान में भूकंप के तेज झटके, तीव्रता 6.2%। मुंबई एनसीपी दफ्तर के बाहर एक कार्यकर्ता ने केरोसीन छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश। एनसीपी दफ्तर के बाहर शरद पवार के समर्थन में कर रहे थे कार्यकर्ता नारेबाजी। मणिपुर हिंसा के चलते अमित शाह का कर्नाटक दौरा हुआ रद्द, तो वहीं मणिपुर की स्थिति में फिलहाल सुधार, कल रात से हिंसा की कोई खबर नहीं। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी को मिली जान से मारने की धमकी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने लंदन हुए रवाना। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर पटना में 17 और 18 मई को हो सकती है विपक्षी दलों की बैठक। यूपी सरकार आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, शुभंकर और एंथम कर सकती है लॉन्च। फिर विवाद में सामने आई दी केरल स्टोरी बनाने वाली टीम का रिएक्शन, रिलीज से पहले ही सुर्खियां पटोर रही है दी केरल स्टोरी फिल्म। पुरानी रंजिश में एमपी के मुरैना में हुआ खूनी खेल, 5 लोगों की गोली मारी गई जिसमें से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत। और आज बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती पर भगवान गौतम बुद्ध को अभिवादन करने नागपुर के दीक्षा भूमि पहुंचे बौद्ध भंते।